मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास फर्स्ट एंड दिस इज योर इंग्लिश लिटरेचर क्लास। चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ऑफ टर्म वन। सो चिल्ड्रन, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट्स डिस्कस द सिलेबस। सो चिल्ड्रन, मैं आपको सिलेबस बताती हूँ, सिलेबस ऑफ टर्म वन। आज से हम इंग्लिश लिटरेचर के टर्म वन का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। चिल्ड्रन, यू ऑल नो कि आपका सिलेबस 3 पार्ट पे डिवाइडेड होता है, पेन पेपर, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एंड एक्टिविटी। सो चिल्ड्रन, इंग्लिश लिटरेचर में आपका पेन पेपर टेस्ट का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, सैली हेल्प्स हर मदर। सब्जेक्ट एनरिचमेंट में आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, टैडी गेट्स बर्नड। एंड एक्टिविटी के पार्ट का आपका एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, 6, लिटिल माइस। सो चिल्ड्रन, हम पेन पेपर टेस्ट, एनरिचमेंट और एक्टिविटी, इन तीनों में से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेन पेपर टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, सैली हेल्प्स हर मदर। ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, सैली हेल्प्स हर मदर। सैली अपनी माँ की मदद करती है। स्टूडेंट, दिस इज अ स्टोरी और इस स्टोरी में आप पढ़ोगे, सैली नाम की एक रैबिट रहती है जो कि उसका एक दिन अपने टॉयज के साथ खेलने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। वो सोचती है कि वो कुछ अच्छा सा, इंटरेस्टिंग, कुछ अलग काम करे, उसका अपने पुराने टॉयज के साथ खेलने का मन नहीं होता है। तो वो सोचती है कि आज क्यों ना मैं आज जाके गार्डन जाके डक को फीड कराती हूँ। उसके गार्डन में बहुत सारे डक रहते हैं, तो वो सोचती है कि मैं गार्डन जाऊंगी और डक को फीड कराऊंगी, अपने पुराने टॉयज के साथ नहीं खेलूंगी। फिर वो अपनी मदर के पास जाती है, अपनी मदर से बोलती है कि अपनी मदर से गार्डन में चल के डक को फीड कराने के लिए बोलती है। लेकिन उसकी मदर के पास कुछ वर्क होते हैं, काम होते हैं करने के लिए, जो कि उसकी मदर उस समय नहीं जा पाती है। फिर शैली अपनी माँ की घर के कामों में मदद करती है, वो किचन में उनकी मदद करती है, क्लीनिंग में हेल्प करती है, गार्डन में जाके प्लांट को, ट्रीज को वाटर देती है। इसके बाद जब सारा काम फिनिश हो जाता है, तब वो अपनी माँ के साथ गार्डन में जाती है और डक को फीड कराती है, डक को खाना खिलाती है। सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में यही है, सैली हेल्प्स हर मदर, मीन्स सैली अपनी मदर की हेल्प करती है इन सारे कामों को करने में, और फिर लास्ट में वो जाके डक को फीड कराती है और वो ये सारे काम को बहुत इंजॉय करती है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर विद योर बुक। ओके सो चिल्ड्रन, ओपन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक द मिडनाइट ऑयल एंड ओपन चैप्टर नंबर 6, सैली हेल्प्स हर मदर। स्टूडेंट, आपको इस चैप्टर में आज की डेट और डे मेंशन करना है, देन सैली हेल्प्स हर मदर, इसके ऊपर जो मैंने अभी बोर्ड पे राइट किया था, सैली अपनी माँ की मदद करती है, इस चैप्टर की हिंदी मीनिंग भी राइट करना है, उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके सो स्टूडेंट, पिक्चर में देखिए, शैली नाम की एक स्क्वायरल है जो कि अपने टॉयज के साथ बैठी है और उसको देख के ऐसा लग रहा है कि उसका अपने टॉयज के साथ खेलने का मन नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सैली स्क्वायरल, स्क्वायरल मीन्स गिलहरी, डिड नॉट फील लाइक प्लेइंग विथ एनी ऑफ हर टॉयज। सैली स्क्वायरल डिड नॉट फील लाइक, सैली स्क्वायरल, सैली गिलहरी, डिड नॉट फील, उसे ऐसा लग नहीं रहा है, उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि वो अपने टॉयज के साथ, अपने खिलौनों के साथ खेलने का उसका मन है। सो सैली का मन अपने किसी भी टॉयज के साथ खेलने का नहीं था। शी वॉन्टेड टू गो एंड फीड, शी वॉन्टेड टू गो, वह चाहती थी टू गो जाना एंड फीड द डक विद हर मदर, और डक को खिलाना विद हर मदर, अपनी मदर के साथ, वह अपनी मदर के साथ जाकर डक को, बतख को खिलाना चाहती थी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, मदर सेड, माँ ने कहा, वी विल फीड द डक्स लैटर, लैटर मीन्स होता है बाद में, वी विल फीड द डक्स लैटर, हम डक्स को बाद में खिलाएंगे, बट लेकिन फर्स्ट, पहले, आई हैव सम अदर थिंग्स, आई हैव, मेरे पास है सम अदर थिंग्स, कुछ अलग चीज़ें टू डू करने के लिए, मतलब हम डक को तो खिलाएंगे लेकिन बाद में, उसके पहले मेरे पास कुछ काम है जो कि हमें करना है। शी टोल्ड
सैली. शी मीन्स वह. वह किसके लिए? उसकी मदर के लिए. सी शी टोल्ड सैली दैट शी कुड हेल्प हर फर्स्टली देन. शी टोल्ड सैली, उसने सैली को बताया दैट शी कुड हेल्प हर कि वो उसकी मदद कर सके. उसकी माँ ने शैली को ये सारी बातें बताई कि उसे अभी कुछ काम है करने के लिए ताकि शैली उसकी मदद कर सके. दे वेंट टू द किचन एंड दे डिड सम कुकिंग. फर्स्टली, सबसे पहले दे वेंट, वो गए शैली और उसकी मदर टू द किचन, किचन की ओर गए. एंड दे डिड सम कुकिंग, और उन्होंने कुछ कुकिंग की, कुछ खाना पकाया. यानी कि पहले जब स्क्वायरल, जब सैली की मदर ने सैली को सारी बात बताई तब वो दोनों किचन गए और किचन में जाके कुछ खाना पकाया. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. देन सैली हेल्प्ड हर मदर. देन सैली हेल्प्ड, मदद किया हर मदर, अपनी माँ की. तब सैली ने अपनी माँ की मदद की टू स्वीप. स्वीप मीन्स होता है झाड़ू लगाना. SWEEP स्वीप मीन्स होता है झाड़ू लगाना. एंड स्वैब, SWAB स्वैब मीन्स होता है पोछा लगाना. द फ्लोर, फ्लोर मीन्स जमीन में. तब सैली ने अपनी माँ की मदद की झाड़ू और पोछा लगाने में जमीन में. नेक्स्ट, देन शी वेंट आउट इन टू द गार्डन. देन मीन्स तब. शी, वह वेंट आउट, गई इन टू द गार्डन, गार्डन में गई. तब वह गार्डन में, बगीचे में गई. व्हाइल मदर वॉज बिजी प्लकिंग फ्लावर्स फॉर द वेस. जब उसकी मदर वॉज बिजी, बिजी थी, व्यस्त थी प्लकिंग फ्लावर्स, मीन्स फ्लावर को तोड़ना. फ्लावर को तोड़ने को हम प्लकिंग कहते हैं. फॉर द वेस, वेस के लिए. वेस स्टूडेंट, एक वेस मीन्स होता है फूलों का गुलदस्ता, जिसमें हम फूलों को रख के, फूलों को सजा के रखते हैं, उसे हम इंग्लिश में फ्लावर वेस कहते हैं. ठीक है. सो शैली गार्डन में गई जहाँ पे उसकी मदर फ्लावर्स तोड़ रही थी फ्लावर वेस के लिए, फ्लावर वेस में सजाने के लिए. नेक्स्ट, शैली वॉज वाटरिंग द फ्लावर बेड्स विद हर लिटिल वाटरिंग कैन. सैली वॉज वाटरिंग, वाटरिंग मीन्स होता है पानी देना. सैली पानी दे रही थी द फ्लावर बेड्स, मीन्स गार्डन में बहुत सारे फ्लावर थे. सैली पानी दे रही थी विद हर लिटिल वाटरिंग कैन. लुक एट द पिक्चर, पिक्चर में देखिए, सैली ने एक कैन कैरी कर रखा है, उसे हम वाटरिंग कैन कहते हैं, जिसमें हम पेड़ों को, ट्रीज़ को, प्लांट को, जिसमें पानी डालते हैं, उस कैन को हम वाटरिंग कैन कहते हैं, जिससे हम पेड़ों को वाटर देते हैं. सो शैली वॉज वाटरिंग द फ्लावर बेड्स विद हर लिटिल वाटरिंग कैन. सैली वॉज वाटरिंग द फ्लावर बेड्स विद हर लिटिल वाटरिंग कैन. सैली अपने छोटे वाटरिंग कैन, पानी देने वाले कैन से फ्लावर बेड्स को, फ्लावर्स में पानी दे रही थी. नेक्स्ट पैराग्राफ. देयर वर अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज. सैली कहाँ थी? अपने गार्डन में थी, अपनी मदर के साथ, जहाँ पर उसकी मदर फ्लावर्स को प्लक कर रही थी, तोड़ रही थी. सो सैली गार्डन में थी. देयर वर अ लॉट ऑफ बटरफ्लाइज. बटरफ्लाइज मीन्स तितलियाँ. देयर वर वहाँ पे थी, अ लॉट ऑफ मीन्स बहुत सी, बटरफ्लाइज तितलियाँ, गार्डन में बहुत सी तितलियाँ थी. सैली रैन अराउंड द गार्डन चेजिंग देम. सैली रैन, सैली भागी अराउंड द गार्डन. अराउंड मीन्स चारों ओर द गार्डन, गार्डन के, बगीचे के चारों ओर शैली भागी चेजिंग देम, उनका पीछा करते. पिक्चर में देखिए, जैसे बटरफ्लाई उड़ रही है वैसे ही बटरफ्लाइज उड़ रही थी और शैली उनके पीछे पीछे भाग रही थी. सो चिल्ड्रन, आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे. ये 4 पैराग्राफ्स है, आज हम सिर्फ 4 पैराग्राफ्स ही पढ़ेंगे. अब आपको क्लास वर्क में इसे पूरा कंप्लीट करना है. मीन्स अभी मैंने आपको जितना एक्सप्लेन किया, जितना पढ़ाया, उसको बहुत अच्छे से सारे वर्ड्स को क्लियरली पढ़ना है. और जिस वर्ड के ऊपर मैंने मीनिंग राइट की है, आपको इन सारे वर्ड को अलग से होमवर्क रजिस्टर में राइट करके विथ हिंदी मीनिंग आपको राइट करना. एक साइड आप वर्ड लिखोगे, एक साइड आप उसकी
हिंदी मीनिंग लिखोगे, जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनका, ठीक है। सो चिल्ड्रेन, आपका क्लास वर्क हुआ कि आपको ये जो भी मैंने 4 पैराग्राफ्स पढ़ाए हैं आपको अच्छे से रीड करना है। एंड आपका होमवर्क है कि अभी आपने जितने भी पैराग्राफ पढ़े उस पैराग्राफ में जिसमें मैंने हिंदी मीनिंग लिखी है उस वर्ड को और वर्ड की मीनिंग को अपने होमवर्क रजिस्टर में राइट करना है। ओके,